हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार बाइक 360। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर ड्राइविंग द प्योर ईवी ई-ट्रस 350। ये एक कमाल की बाइक है। 3.5 किलोवाट आर की इसकी जो बैटरी है वो बहुत पावरफुल है, अच्छी खासी आपको रेंज प्रोवाइड कर देती है और 100 अप टू 140 किलोमीटर्स की अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं। लेकिन ये चलाने में कैसी है ये आज फाइंड आउट करेंगे और डिटेल में बताऊंगा कि इसकी अच्छी चीज़ें क्या और बुरी चीज़ें क्या हैं। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें कि इसमें जो आपको रेंज है या जो टॉप स्पीड है वो इसका यूएसपी है। 140 किलोमीटर्स की रेंज तो है ही, जिसकी टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर पर आर की, तो वो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। आज ट्रैफिक काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पर, तो सिटी और हाईवे ड्राइव दोनों करेंगे। पहले सिटी ड्राइव हो जाएगी आपके लिए और फिर मैं हाईवे ड्राइव करूँगा। सबसे पहले इसकी पावर की यहाँ पर बात करते हैं। 3.5 किलोवाट आर की पावर है, तभी इसको ई-ट्रस 350 का नाम दिया गया है। मैसिव पावर है, अच्छी खासी आपको एक्सप्रेशन मिल जाती है, बैटरी लाइफ आपको बढ़िया मिल जाती है, रेंज आपको 140 किलोमीटर्स की मिल जाती है, अप टू 140 किलोमीटर डिपेंडिंग आप कौन से मोड पर इसको चला रहे हैं। अब इस बाइक में आपको विजिबिलिटी भी प्रॉपर मिल जाती है, ओवर व्हील्स आपको बढ़िया साइज़ के मिल जाते हैं। हैंडलिंग इस व्हीकल की बहुत अच्छी लगती है मुझे और बहुत जल्द आप इसको समझ जाते हैं। थोड़ी देर थोड़ा सा ड्राइव करने पे आप बाइक के करैक्टर को समझ जाएंगे और बाइक भी आपके करैक्टर को समझ जाती है बहुत इजीली और बहुत जल्द। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आप बहुत इजीली अपने व्हीकल को मैनूवर कर पाते हैं, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे यू नो टाइट रस्ते हों या हाईवेज़ के ऊपर हाई स्पीड्स हों, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस बाइक में आपको रीजनरेशन लेवल भी मिलता है, अभी तो हम चढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी मदद से जब आप ब्रेक लगाते हैं या आपकी बाइक की स्पीड आप एक्सट्रेस्ट करना बंद करते हैं उसके थोड़ी देर बाद ये बाइक रीजन भी करना शुरू कर देती है, जिससे आपकी जो बैटरी है उस पर तक वापस चार्जिंग जाती है। आप देख सकते हैं ब्रेक दबाऊंगा तो रीजन पूरा हो रहा है, देखें। तो ये हेल्प करती है आपकी रेंज को और बेटर बनाने के लिए, इसीलिए सिटीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रेंज है वो ज़्यादा आती है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं होती। ई-ट्रस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 85 किलोमीटर पर आर की आपको टॉप स्पीड मिल जाती है, विच इज़ मोर देन इनफ। आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता है और टॉप स्पीड अच्छी मिल जाती है, तो ऐसा आपको लगता नहीं है कि मैंने कोई कन्वेंशनल बाइक के अलावा कोई और बाइक परचेज़ की है जो ज़्यादा रन नहीं कर पाएगी। हॉर्न इसका कुछ इस तरीके से है, आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा ज़्यादा तीखा है। देखो, इस बाइक में आपको एक ही चीज़ जो मुझे पर्सनली कम अच्छी लगती है वो यही है कि इसके जो प्लास्टिक्स हैं सारी ओवरऑल पूरी बाइक में वो थोड़ी आवाज़ करते हैं, स्पेशली जब आप खड्डे पे हैं, हाई स्पीड से किसी खड्डे पे निकले हैं तब, तो वो मुझे पर्सनली थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। थोड़ी सी कंट्रोल्ड होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और अच्छी चीज़ मुझे इस बाइक की लगती है ये स्क्रीन जो है ना, इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। पूरी अब जो पूरी हार्श लाइट चल रही है और उस टाइम पर विजिबिलिटी है। इस बाइक की जो राइडिंग पोजिशन है वो मुझे बढ़िया लगती है, उसमें किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी अपराइट बैठ पाते हो, हाथों में ज़्यादा आपकी दिक्कत नहीं आती। जो हैंडल बार्स हैं उनकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी आपके हाथ पे रहती है, तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं एडिड एडवांटेज रहता है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इसके ओवर वीएम्स हैं, अब आउटसाइड रियर व्यू मिरर तो है नहीं, ये तो रियर व्यू मिरर्स ही हैं, तो जो रियर व्यू मिरर्स हैं आरवीएम्स उनकी विजिबिलिटी सही है। शेप आपको ट्रायंगुलर थोड़ी एजी सी मिल जाती है, थोड़ी स्पोर्टी फील करवाएगी और आपको अच्छा खासा पीछे जो है वो व्यू देखने को मिल जाता है अपने राइट साइड लेफ्ट साइड। ज़्यादा आपकी आर्म्स नज़र नहीं आते जो कि यूजुअली टू व्हीलर्स में नज़र आती हैं, तो विजिबिलिटी आपको पीछे रोड की प्रॉपर रहती है, उसमें किस तरह का कोई डिनाई नहीं है। ब्रेकिंग इसकी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड, यानी कि रियर टायर की या फ्रंट टायर की, आपको ब्रेकिंग में किस तरह की कंप्लेंट नहीं होगी इस बाइक के साथ। आपको एक कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिल जाती है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ, इसके अपडेट नहीं मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक और ई-ट्रस 350 के बारे में, कि अगर आप थोड़ी सी भी ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो उस टाइम पे ये एक्सीलरेट नहीं करेगी, जितना मर्जी दे दो ब्रेक छोड़ूंगा तभी वो एक्सीलरेट करेगी। आप क्या होता है यूजुअली हम जो पेट्रोल वाली चलाते हैं स्कूटीज़ या बाइक तो नहीं, क्योंकि वो क्लच का काम होगा, अगर एक्टिवा चलाते हैं यहाँ पर वो ब्रेक होती है, तो अगर थोड़ी सी ब्रेक दबी हुई है एक्सीलरेट कर रहे हो तो एक्सीलरेट होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक में ये ई ब्रेक की तरह काम करती है, थोड़ा सा भी प्रेस किया होगा तो ये एक्सीलरेट नहीं करेगा जितनी मर्जी आप रेस दे दो। तो ये एडिशनल एक अच्छा फीचर भी है और इसकी थोड़ी सी आदत आपको बनानी पड़ती है। जब मैंने पहली बार ई-ट्रस चलाई थी तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक फ़ीचर है, उसकी आदत आपको बनानी पड़ेगी। बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब याद रखिए, अगर आप ई-ट्रस या कोई भी प्योर ईवी का व्हीकल लेते हैं, इनमें चार चार चाबियां आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो अपने पास एक ही रखें तो बेटर है, नहीं तो ऐसे ही आपस में घन घन करती रहेंगी।
जो सीट्स की क्वालिटी है ना वो भी मुझे बढ़िया लगती है, बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, लॉन्ग राइड्स में भी आपको ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, काफ़ी कंफर्टेबल और कुशनी सीट्स हैं। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ रियली रियली गुड। आप देख सकते हैं ब्रेकिंग किस तरीके से इसकी काम करती है। जो फ्रंट ब्रेक है ऑब्वियसली थोड़ी सी बेटर है, बट मुझे इस टाइम पे ज़रूरत नहीं लगी, सिर्फ रियर ब्रेक से ही मैंने काम चला लिया। अगर आप इसके थर्ड मोड पे चलाएंगे तो पिकअप आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी और टॉप स्पीड भी, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। अभी मैं वन मोड पे ही चलाऊंगा, तब एक बार मेरी डाउन हुई है 60 की मेरी स्पीड है, काफ़ी अच्छी इसकी हाई स्पीड जो है वो मुझे मिल जाती है, मतलब किसी तरह का कोई ऐसा लगेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक है, तो लो स्पीड यानी कि टॉप स्पीड कम है। फर्स्ट मोड पे ये आराम से 60 तक जाती है, 60 से भी ज़्यादा ही, आप देख सकते हैं 63, अभी दो लोग बैठे हैं, 64, 65, ये फर्स्ट मोड है, 66, तो 66 तक चली जाती है आई थिंक दो लोगों के साथ। जो किसी भी टू व्हीलर की रेंज होती है ना इलेक्ट्रिक में, वो टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज है कि बाहर टेम्परेचर कितना है और कितनी वो व्हीकल चला है, कैसे चला है, उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो मैटर करते हैं। हम आपके लिए एक एवरेज, एक एस्टिमेटेड टेस्ट जो है वो आज कर रहे हैं। बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो मुझे वो तो बढ़िया लगती है, बिकॉज आपको एक अच्छी एक्सप्रेशन, अच्छी पिकअप, सब बढ़िया मिल जाता है। चलिए सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, स्पीड ब्रेकर आई गया तो दिखा दूँ। सस्पेंशन भी इसकी वैसे काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कुशनी है, लेकिन थोड़ी सी बस जो उसकी प्लास्टिक की आवाज़ है वो मेरे को बुरी लगती है जब खड्डों पर, ऑब्वियसली स्पीड ब्रेकर पर तो नहीं आएगी, बट सस्पेंशन मेरे को काफ़ी अच्छी कुशनी सॉफ्ट लगती है, एक बढ़िया आपको राइड प्रोवाइड कर देती है डेफिनेटली, उस बात में कोई शक नहीं है। सस्पेंशन की यहाँ पर बात हो रही है तो स्पीड ब्रेकर्स पे तो इजीली आपको निकाल के दे देती है बाइक, बट कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि बेटर सस्पेंशन हो सकती थी इसकी थोड़ी सी और, मतलब कंफर्टेबल ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ जब ज़्यादा खड्डे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ करती है, बट कौन सी व्हीकल है जो नहीं करती, ये भी करती है जैसे बाकी करती हैं। पावर वाइज आपको कमी कभी भी महसूस नहीं होगी, आपको अच्छी खासी पावर यहाँ पर मिल जाती है मोड वन में। अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं सारी, ब्रेक लगाता हूँ तो देख सकते हैं रीजन लेवल बढ़िया आपके ग्रीन लाइट जो है वो नज़र आती है। लेवल 3 पे एक्सलरेट करेंगे तो आपको जो टॉप स्पीड है वो भी देख के देखते हैं हम कितनी मिलती है, 43, 47, 50, 54, 57। अभी याद रखिए दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग, 66, 67, 68, 69 और आगे थोड़ा सा गाड़ियाँ आ रही हैं तो हमें थोड़ी सी ब्रेक लगानी ही पड़ेगी। हम वापस इसको मोड वन पे करते हैं जो बढ़िया आपको पावर और एक्सप्रेशन का मिक्सचर प्रोवाइड करती है। ड्राइविंग में पावर आपको अच्छी मिल जाती है, एक्सप्रेशन आपको बढ़िया मिल जाती है, तो चलाने में फन टू ड्राइव एलिमेंट तो आएगा ही। बैटरी इसकी जैसे नीचे की तरफ दी गई है तो आपको बढ़िया एक राइड मिल जाती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है, बैलेंसिंग आपको बड़ी कंट्रोल मिलती है। स्पीड ब्रेकर्स पे तो बहुत स्मूथली निकाल देता है, बहुत खड्डे होते हैं तब थोड़ा सा झटके लगते हैं, वो जैसे कि हर टू व्हीलर में लगते हैं, बट स्पीड ब्रेकर में तो बहुत स्मूथली, स्वीटली, सॉफ्टली आपको पास करवा देगी ये बाइक। अभी हम थोड़ा और चलाएंगे, अब हम चलते हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। इंडिकेटर की आवाज़ अगर आपको सुन रही है तो पता लगे, मुझे चांसेस कम ही है क्योंकि माइक मैंने हेलमेट के अंदर लगाया हुआ है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नीचे अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर दें कमेंट करके कि आपको ये जो बाइक है वो कैसी लगती है, और उसके साथ साथ हमें भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, और कार बाइक 360 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।